विचार एव कहते हुए कह दिया था कि सभी दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है, सभी रातों में की जाती है केवल अमावस्या को छोड़ करके, न सर्वेश दिवसेश गुरु परंपराया तो जेयम यो हवा अहोरात्रा नाम नाम धेया निवेद न अहोरात्रेश आर्थिम मर्छति संज्ञान विज्ञान दर्शा दृष्टा इति श्रुति अनुवाद। इनके नामों को जानने का भी फल है, व्यर्थ नहीं जाता तिथियों के नाम को जानना, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, तिथियों के नाम जानना और दिन रात के भी नाम जानना है। बताए तुम दिनों का भी नाम बता दिया, रात्रों का भी नाम, शुक्ल पक्ष के भी कृष्ण पक्ष के भी। यो हवा अहोरात्रा नाम नाम ध्यान निवेद, जो कोई व्यक्ति दिन और रात के नामों को जानता है उसको कभी ना दिन में ना रात में किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा नहीं होता। जिनके नाम क्या है, संज्ञान विज्ञान इत्यादि, दर्शा दृष्टा इत्यादि शुक्ल पक्ष में। ये तो अनुवाक पूर्व पक्ष से अहोरात्रा नाम नाम ध्यान, ये शुक्ल पक्ष अहोरात्रों का नाम है। इसी प्रकार से प्रसुतम विष्णुतम सुता सुनवती इत्यादि जो है, ये तो अनुवाक अपर पक्ष से अहोरात्र नाम नाम ध्यानी, अपर पक्ष के अहोरात्र के मान कृष्ण पक्ष के अहोरात्र के नाम नहीं है। प्रस्तुतम विष्णुतम सुता सुनवती सुनवती थी, ये जो थे अनुवाक। न अहोरात्रेषु आर्थिम वर्चती ये एवं वेद इति वाक्य जत पूर्व दे व्याकृत, दोनों अनुवाकों में शब्द यही आ गया फल, चाहे कृष्ण पक्ष के चाहे शुक्ल पक्ष के, दिन रातों को जान नामों को जानने से एक ही फल है, आपको न दिन में न रात में कभी किसी पर कष्ट पीड़ा नहीं होगी। न अवरात्रि स्वार्थम रिचति हम वेद इति एक वाक्य जातम पूर्वदेव व्याकृत, वैसे पूर्व जैसे आकृत। इत परम यद वक्षमाण, इससे आगे और भी उन मंत्रों में मुहूर्तों का वर्णन किया, अर्धमास का वर्णन किया, घटिकाओं का वर्णन कर दिया, एक घड़ी दो घड़ी जो होती घटिकाएं, मुहूर्त आज अर्धमास मास अयन संवत्सर सब का वर्णन हुआ है। आदि अंग जो वर्णन हुआ वो काला नाम नामधेय जातम, वो काल का तो नाम भेद मात्र, ये दिन रात से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हम सबको क्या कर रहा हूं, अत्रैव अंतर्भूतम, सबको इसी मंत्र होकर लेना, एतद् व्याख्यानं नैव व्याख्यातम् इति अनुसंधेयः। इसलिए इन जो हमने आपको व्याख्यान करके बता दिया दिन के नाम और रात के नाम कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के, इन्हीं के द्वारा उन सब की व्याख्यान भी हो गया, अलग से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब इसी में अंतर्भूत है। अतएव संज्ञानानुवाक्य, जो संज्ञान विज्ञान किया जो शुक्ल पक्ष के नामों को बता रहे थे दिन के नाम, उस अनुवाक के अंत में क्या कहा, यम वावसर्गा, यम वावसर्गा ये अनुवाक कही गई अनुवाकश्च व्याकृत है, जिनकी हमने व्याख्यान कर चुका हूं इति अवगंतव्य, हम जैसे व्याख्यान किया वैसे उसको ग्रहण करना पड़ेगा। यस्तु सावित्र प्रकाशक है, कोई सूर्य के व्याख्या करने वाली कोई ग्रंथ अनुवाक विशेष है वेद में, उसमें क्या वर्णन किया, प्रजापति देवान असृजत, प्रजापति ने देवताओं का सृष्टि किया, ऐसे अनुवाक आरंभ की करके स यद आह इत्यारभ्य, और वह जो कहा वो ऐसा ऐसे कहा आरंभ करके अंत में क्या कहते हैं, जनको वैदेह, इंसान का सृष्टि करने वाले जो प्रजापति जनक है यह अंत मुक्त हो गया, वैदेह हो गया, या वो जनको वैदेह नहीं लेना, जनकराज सीता का पिता विदेह राज, इसलिए वैदेह ही बोलते थे सीता को, वो नहीं, यहाँ जनक शब्द का अर्थ क्या है, वैदेह शब्द का अर्थ क्या है, प्रकरणानुसार में समझना जरूरी है। जाओ कथा का प्रकरण आएगा वहां अर्थ ले लो, राजा था उसका नाम ये था, जो भी उस पद पर बैठेगा सबको जनक ही कहा जाता था, और सबके गुण भी वैसे होते, पूर्ण वेग वैराग्य ज्ञानवान होते, इसी तरह से यहां पर भी, लेकिन वो यहां अर्थ नहीं लेना है इसलिए व्याख्या कर दी इत्यंतेना तिथ्यात्मकता, क्योंकि सभी पूर्व पूरे प्रकरण में तिथि रूपा सविता का प्रतिपादन किया। वास्तव में तिथि रूप कौन होता है, चंद्रमा होता है, तिथि रूपा सूर्य नहीं होना, लेकिन सूर्य को भी तिथि रूपा वर्णन कर दिया,
उनकी तिथि कैसे गणना करते, इसलिए वो लोग संक्रांति संक्रांति को, संक्रांति से संक्रांति को वो तिथियों के रूप में लेते। सूर्य का सौर संवत्सर का सूर्य के अनुसार संवत्सर चलता है। नेपाल में पूर्णिमा अमावस्या कुछ नहीं उनके लिए, कोई लेन देन नहीं पूर्णिमा अमावस्या, उनका तो केवल सूर्य का अमुक राशि में संक्रमण हुआ, संक्रांति हुई, वहां से उनके महीना शुरू हो गया अगले संक्रांति तक। उनके महीनों का नाम भी इसलिए जिस नक्षत्र में संक्रांति हो रही है, जैसे मेष में संक्रांति हुई मेष मास हुआ, मकर संक्रांति होती है मकर मास में, संक्रमण जिस राशि में हो रहा है जिस समय में उसके और उस महीने का नाम रख दिया हूं। वो ये भी भारतीय लोग ही कह रहे हैं, कोई और थोड़े अंग्रेज थोड़ो कह रहा है ये बात, ये भी भारतीयों में एक परंपरा है। सौर परंपरा वाले यूं बोलेंगे, सूर्य की परंपरा मानने वाले, पूरा नेपाल इसी हिंदुओं में यही चलता है, बंगाल में पूरे संक्रांति के हिसाब से चलाते हैं, गुजरात में काफी है जो कि संक्रांति के अनुसार ही मानते हैं, पूरे पहाड़ में यहाँ संक्रांति के हिसाब से होता है, वो लोग गते बोलते हैं, गते यहाँ पहाड़ों में सूर्य का एक अंश बीत गया, दूसरा अंश बीत गया, तीसरा बीत गया, मैंने गते गत बीत, तीस अंश होते ना, तीस गते हो गया, मैंने अगला संक्रांति आ गया। इनकी भाषा में ये लोग गते कहते हैं और संक्रांति से गिनना शुरू करते हैं, एक एक दिन की भी गिनती, तीस अंश है उसका, एक अंश पार कर दिया, मैंने एक गते पूरी हो गई उनकी तिथि, अंश का एक एक अंश का घटते जाना उस महीने में, मकर में सब प्रवेश हो एक महीना चलेगा, तीस अंश सूर्य चलता है, तीस अंश पूरे होने तक उनकी महीना गिन, उनको वो लोग भी क्या तिथि मानते हैं, वो लोग भी तिथि मान रहे, तिथि नहीं मानते, सूर्य के आधार पर तिथि मान रहे, चंद्रमा के घटने बढ़ने इनके आधार पर तिथि नहीं मानते, इसे उनकी ऐसा तिथि है ही नहीं, न पुण्य घटना बढ़ना कुछ नहीं, अंश घटते जा रहा है, हर बार अंश घटता है, बात खत्म हो गई, ना वो घटना है फिर बढ़ना है, वो लफड़ा है नहीं। तो बता रहे सौर सूर्यवंशी जब पैदा होते हैं नौ संख्या नौ महीने, चंद्रवंशी का पैदाइश अष्टमी, घटना बढ़ना है ना, वहां यहां घटना बढ़ने का प्रश्न ही नहीं, एक ही नौ 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 संख्या, सूर्य के मास में विशेषता है, सौर मासों में, चांद्र मास में ये विशेषता, और चांद्र मास में दो प्रकार, कुछ पूर्णिमा से पूर्णिमा में महीना मानते हैं, अमावस्या अमावस्या महीना, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में अमावस्या अमावस्या तक महीना, दो प्रक्रिया। तो वही कह रहे हैं कि उन लोगों ने मान लिया सवितु प्रतिपायितम, तिथ्यात्मक सवित हो, सविता का तिथि रूपता का उन्होंने प्रतिपादन किया, तब तो साधात्य तत्वात्मिकाया चंद्रकला विद्या, और वे अलग नहीं है, ये भी उसी में आ गया जो हमारी श्री विद्या में छिपा, ये भी बात अलग कुछ नहीं उनके विशेष, ये भी साधात्य जो तत्व है उसी तत्व का ही, जो स्वरूप हमने क्या वर्णन किया, चंद्रकला की विद्या मानी, पंचदशाक्षर विद्या को चंद्रकला विद्या, इसी विद्या के अंतर्गत है वो श्री विद्या अपर नाम अधेय, जो श्री विद्या का दूसरा नाम था चंद्रकला विद्या, साधक तत्वात्मिका है, पंचदश तिथि आत्मिका है, उसी का प्रसाद समास असमासादित सामर्थ्यम, उसी की कृपा से सविता में सामर्थ्य आ गया, और तिथि रूप धारण कर लिया, यही तो घटाना है, सारा शक्ति की कृपा से हो रही है, शक्ति के सिवा कुछ नहीं है, सूर्य भी तिथि रूप धारण कर रहा है, वो शक्ति कृपा प्रसाद से हो रहा है, कह दिया पंचदशात्मिका जो श्री विद्या है उसकी प्रसाद माने कृपा से आसादित समासादित सामर्थ्य वाला सूर्य से सब हो रहा है, नान्यथा सूर्य अपने आप कर लेगा ऐसा कभी नहीं सोचना, नान्यथा इति प्रतिपादितम, इसी बात को प्रतिपादन करने के लिए गौण्य वृत्ति आह श्रुति, श्रुति ने गौणी वृत्ति से सूर्य की तिथियों का वर्णन किया है, अतएव एषैव तदिति गौणवृत्ति आचरण प्रकटितम्, इसीलिए उन मंत्रों में उस अनुवाक में कहा एषैव तत्, ये जो सूर्य है
ये वही है, वही कौन जो पहले वर्णन किया हुआ है, शक्ति पराशक्ति। ये तो ग्रंथ कलाप अनंतरम, और ग्रंथ की पूरा विस्तार कथन करने के बाद अंत में वाक्य आया जनको वैदेह और रात्र ही इत्यामनातम, जनको वैदेह और रात्र ही संग्रह किया करके शब्दावली वहां। और रात्र उसने क्या किया था, समाजगाम ऐसा है, समाजगाम अहोरात्रि समाजगाम सम्यग आजगाम, ये शब्द आगे देखिए यही स्वयं दे रहे। जनगाम ने कौन, उत्पादक, उत्पादक कौन है वो, श्री विद्या या ऋषि, जो श्री विद्या का ऋषि है वही संसार को उत्पाद है। ऋषि कौन है, साक्षात शिव है, काम है। विदेह एव वैदेही, विदेह का नाम ही वैदेह, वैदेहो वैदेही नहीं वैदेहो, मनमथा मने कामदेव, अहोरात्रि मने अहोरात्रात्म गई पंचदशाक्षरी मंत्र वर्णई, अहोरात्रात्मक क्या है पंचदशाक्षरात्मक मंत्र वर्णों के द्वारा दर्शादि पूर्णिमांत कलात्म गई, दर्श से लेकर के पूर्णिमांत कलात्म रूप में वर्णन किया गया था उसको, ये तो मंत्र का टुकड़ा ही है। समाज गाम माने मंत्रम आर्तवान इत्यर्थ, वह जो शिव है ऐसे मंत्र को उन्होंने आहरण किया। यस्तु मंत्रम आरति, और जो मंत्र का आहरण करता है मंत्र का पहला दर्शन करता है अनुभव करता है उसी का नाम ऋषि है, स ऋषि। इसमें क्या प्रमाण है, अतएव अरुणोपनिषद ही इसी बात को अरुणोपनिषद स्पष्ट किया है, पुत्रो निरुत्या वैदेह ही की, निरुति का बेटा है वैदेह, देह रहित होता अभी वो बेटा है, यह विचित्रता है। वैदेह का मतलब क्या, विगतो देह है कि वैदेह, इसका देह नहीं होता, देह का देहाभिमान नहीं है, मैं देह नहीं ऐसा नहीं, देहाभिमान रहित है, परम ब्रह्म ज्ञानी है उसको वैदेह, विगतो देहाभिमान यस स वैदेह, कौन हो सकता है। और शिव किस रूप में प्रकट हुआ, लक्ष्मी से ही पैदा हुआ, यदि वो साकार रूप प्राप्त करता है माया के बिना, शिव की साकार रूप था कोई नहीं, से लक्ष्मी से ओ बे, लक्ष्मी का वो बेटा है कौन, वैदेह कौन, लक्ष्मी मैंने माया शक्ति उसका बेटा मैंने सोपालिक चैतन्य हो गया, तब उसका नाम पड़ा वैदेह, वास्तविक स्वरूप को याद दिला रहा, वास्तव रूपेण वैदेह है, इन माया के वजह से पुत्र रूपेण वो देहवान हो रखा। निरुत्या लक्ष्मी पुत्र थी, निरुति मैंने लक्ष्मी उसकी उसका पुत्र, और कहीं पुत्रो अनिष्कृत्या करके परिचय दिया, अवग्रच में नीचे मान लिया वो है ना पुत्रो, मंत्र में क्या है ओकार, ओकार में से अवग्रच में पीछे ऐसे में डाल करके अनिरुति निकाल लिया, कोई बात नहीं, निरुति मन लक्ष्मी माया, अनिरुति मन अविद्या, वो है तो अविद्या समझ लेना उसको, अविद्या भी वही है माया वही लक्ष्मी है, इसे निरुति शब्द से भी लक्ष्मी लिया जाएगा, अनिरुति शब्द से भी लक्ष्मी लिया जाएगा, फिर अथवा अनिरुत्या कर तो भी लक्ष्मी, हाँ पुत्र मन वैदेह मनमत, कौन है वो मनमत। यहाँ बार बार हम लोग यहाँ शाक्त वेदांत में क्या बोलते हैं, काम कला, काम शिव को काम शब्द से करते, ये वो काम नहीं है, मनमत वो नहीं ले रहे हैं जो भगवान विष्णु लक्ष्मी पैदा हुआ बेटा जो सबके अंदर घुसा पड़ा है, काम वासना जगाता है, भोग की इच्छा जगाता है, वो काम देव नहीं है, यहाँ वो एक देवता है, वो नहीं ले रहे, यहाँ साक्षात शिव को कहते हैं मनमत, वही काम, काम कला विलास, काम कला विद्या, काम कला स्तोत्र, ऐसे अनेकों ग्रंथ इनके हैं, शिव शक्ति स्तोत्र, काम मने शिव, कला मने ज्ञान विमर्श भी करते हैं। उसी मंत्र में आगे लिखा है अचेता यश चेतन, उस मंत्र के टुकड़े टुकड़े करके व्याख्या करते जा रहे, एक साथ पूरा मंत्र नहीं दिया, एक एक हिस्सा लेकर व्याख्या भी करते जाएंगे साथ साथ। अचेता यश चेतन, ये शब्द का अर्थ क्या होगा,
कदे वास्तव में वह परम शिव जो पराशक्ति रूप परम शिव कैसा है, कदे वो अचेता होते भी वो चेतना क्यों अनंगत्वेन चेतो रहित वास्तव में अनंग है, अंग ही नहीं, शरीर अभाव निर्गुण निराकार है, अंग ना होने से वो अचेतन कर दिया उसको, रंग वाला होने पर चेतन कर दिया जाता है, अनंगत्वाद चेतो रहित क्षेत्र से सर्वभूतांतरियामित्वा तो चेतन मिसले कर दिया सकल भूतों का अंतरियाम स्वाभाविक होकर सतम मणिमविंदत, सतम मणिमविंदत, और उसने मणि को प्राप्त कर लिया, और शिव ने मणि को पाया, ये अंग नहीं मणि को पा कैसे सकता है, अंग वाले तो मणि को पकड़ेगा और अंग नहीं मणि को पा लिया, अंधा होते हुए देख लिया, अंगुली रहित होकर सिर्फ पिरोया और गले के बिना ही पहन लिया, ये मंत्र है पूरा, उसकी व्याख्या करने जा रहे टुकड़े टुकड़े, पहले इसका क्या अर्थ है, उसे मणि को पाया कर दिया, सो आनंद है, वह आनंद है, वह प्रसिद्ध मणि क्या है, विद्या, ये ब्रह्म विद्या श्री विद्या यही मणि है, ये चिंतामणि, इसे चिंतामणि मंत्र भी कहते हैं ना, चिंतामणि है, इस मणि को उसने पाया, विद्यारूपम अविंदत लब्धवान अपश्यत उसने लाभ कर अनुभव कर लिया, असो अनंग वह अनंग होते भी अंधोपि अपश्यत वह अंधा होता भी देख लिया, अंधो मणिम अपश्यत थोड़ा गलत छपी है, अंधो मणिम अपश्यत बना उसको, अविंदत दो बार आ गया ना, ये विंद को काटो पश्य लिख दो बस इतने बाकी सब चीज, इसे वाक्य शेष बलात् लभ्यते, यह वाक्य शेष स्वतः ही लाभ हो गया बलपूर्वक सामर्थ्य, अतएव परिचित कलायाः विद्यायाः त्रिपुर सुंदर्याः मनवदः ऋषि, इसीलिए ही परिचित कला रूपा इस विद्या का त्रिपुर सुंदरी की इस महाविद्या का मनमत को ऋषि शिव को ऋषि कहा गया है, सो अनंगुलिर आवयत वो अंगुली नहीं था, अंगुलियों की बिना ही सुमणि से माला पिरो दिया, कैसे कर देगा, अरे सो अनंगत्वादेव अलंगुली अनंग वाला होने से उसको अनंगुली अंगुलिया नहीं है, कोई अंगी नहीं तो अंगुली कहां से होंगे, अंगुली भी नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, आवयत असीवियत उसने सील दी, मैंने इसको पिरो दिया, माला बना दिया मणियों का, विद्या की माला मैंने पंच अक्षरों की माला बना दी, अक्षर माला उपनिषद अक्षर माला बना, ऐसे कैसे कर दिया, कहे सो अनंगुले क्यों सीवन अनंतर कृत्यम माह, क्योंकि उसको पिरोने के बाद जो किया है क्या किया उसने, उसके आधार पर निकालना पड़ेगा ना, यहाँ आगे एक मंत्र में क्या कहा, उसने गले में पहन लिया, बिना गले वाला ही गले में पहन लिया, कैसे सो अग्रीव, अगला मंत्र क्या था, सो अग्रीव प्रत्यमुंचत, यह सो अनंगत्वादेव वह अंग वाला ना होने के कारण से ही उसके पास कोई ग्रीवा नहीं कोई गला नहीं है, मणि संपादन फलम प्रत्यामोचनम अकरो, मणि के संपादन का फल क्या है, मणि को पिरोने का फल क्या है, उस माला को पहनना, वह पहनने का काम कर लिया, मणि धृतवान उस माला को उसे धारण कर लिया, कौन सी माला, पंचदशाक्षर रूपा मंत्रात्म के माला को उसने धारण, और इसको धारण कोई गले की जरूरत है क्या, कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा वास्तव में शिव जो है बिना गले का भी इन 15 अक्षर रूपी मणियों को आपस में जोड़ करके पिरो करके क्रम से व्यवस्थित करके कार्य हाजिर रूप में व्यवस्थित करते हुए उसने उसको धारण कर लिया, ये इसका धारण करने में क्या किया, विद्यारत्ने मणिसु आरोपस्य फलम धारणम एव, आगे ना विद्यारूपी रत्न में मणित्व का आरोप करने का फल यही है उस विद्या का धारण करना, केवल उतना ही नहीं लेकिन फल केवल धारण कर लिया हो गया, क्या धारण करने से क्या फायदा होगा, लेकिन धारण एवं न भवति, धारण मात्र ही फल नहीं है कुछ और भी फल है, क्या फल है वो, सो अजीवो असश्चत, और बिना जीवा को मणि का स्तुति करने लग गया, बिना जिह्वा के ही उस मणि का स्तुति करने लगा, तो मतलब क्या, बिना साधन का ही विद्या का फल प्राप्त,
साधन क्या जरूरत है? ब्रह्मविद्या की अनुभूति पंचदशाक्षर मंत्र की जाप करते करते वह अनुभूति ऐसी हो जाएगी तो बिना साधन का अनुभूति ये था उसको बोलने जा रही स्वयं बता रहे सो अनंग अनंगत्वादे व जीव वो अनंग होने के नाते जीवा रहते फिर भी अस्वच्छता बिना जीवा को चूस करके स्तुति कर सकता है कोई? जैसे आम खा लिया आपने और आम की स्तुति कर रहे वाह क्या बढ़िया आम मंगाया आपने आपूस आम था अरे 200 रुपए के काम इतने बढ़िया मीठा था अरे कहो लगता है कि इसके अंदर माजा भर दिया था। आप किसका आस्वादन करके उसको स्तुति करते उसी प्रकार से इस विद्या की स्तुति होनी अस्वच्छ तो मैंने अचू चुषक चूस लिया आस्वादन कर लिया आस्वादित वाणी तीर्थ ये तो उत्तम होती है ये कहने का अभिप्राय है अनंग पूर्व विद्यार्थनम पंचदश वर्णात्मकम षोडश नित्यात्मकम षोडश कलात्मकम नाना वेदेशु नाना स्मृतिषु नाना पुराणेशु विप्रकरणम दृष्टवान पूरे मंत्र का तात्पर्य क्या क्या पहले शिव ने पूरे वेद में अलग अलग जगह बिखरा हुआ था ये पंचदशाक्षरी श्री विद्या इधर टुकड़ों में बिखरा हुआ मणिया इधर उधर थे और उन सबको उसने देख लिया वेदों में पुराणों में श्रुति स्मृति पुराण इतिहास ग्रंथ सब ग्रंथों में इधर बिखरा हुआ उसने देखा देख के क्या किया बाद में तदनंतरम विप्रकीर्णम इमं मंत्रम दृष्ट्वा सीवनं कृतवान और उन सबको देखने के बाद उन प्रकीर्णों को इकट्ठा किया और मंत्र को आपस में सिलाई कर दी उन्हें पिरो दिया एक तार में उसको जोड़ दिया कितने थे वो 50 वर्णान त्रिधा विभज्य 50 वर्ण थे उनको सौर खंड आग्नेय खंड सौर खंड सोम खंड नाम से इन खंडों में बांट दिया त्रिखंडात्मकम त्रिधा विभज्य खंड त्रिंग कृत्वा इन भागों में बांट करके खंड त्रि में डाल दिया त्रिपुर सुंदरी आदि षोडश नित्यास तत्र अंतर्भाव और त्रिपुर सुंदर जो 16 नित्या देवियां हैं उनको इसी में अंतर्भाव कर दिया प्रतिपदादि तिथिन षोडश तत्र अंतर्भाव फिर प्रतिपदादि 16 तिथियां हैं इनको भी उसमें अंतर्भाव कर दिया 50 वर्णात्मकम त्रिखंडं कृत्वा इस प्रकार से 50 वर्णों वाली त्रिखंडात्मक श्रीयंत्र में सबको अंतर्भाव करके तत्र सोम सूर्य अनलात्मक है ना सोम सूर्य और अनल रूपेण ब्रह्म विष्णु महेश्वरात्मक दिया वही क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश है वही सत्व रजस तमस तत्व व्यवस्थित दिया तत्वंग व्यवस्थित कर लिया और उसी को जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थापन्न तया फिर सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुभूत तया निश्चित्य श्री विद्यात्मके चतुर्थे खंडे पंचदश कला नाम अंतर्भाव निश्चित तीन के अपेक्षा से चौथा खंड और 16वीं उनमें 15 को विलय कर दिया अब ये नहीं सब बातें कंडे पंचदश कला नाम अंतर्भाव निश्चित इस पंचदश कलाओं का अंतर्भाव निश्चय करके भुवनेश्वरी प्रवृत्ति नाम योगिनी विद्या नाम नवा नाम त्रिकस्य और भुवेश्वरी प्रवृत्ति आदि जो नव योगिनियां हैं उनका नव विद्याओं के रूप में स्थापित कर दिया नवा नाम त्रिकस्य उनको भी त्रिक त्रिक में मान लो नौ थे ना तीन 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 और तीन को एक ह्रीम में दूसरे तीन को दूसरी ह्रीम में तीसरी तीन को तीसरी ह्रीम में डाल देना तीन ह्रीम वहां पर आता है वागकूट में कामराजकूट में और शक्तिकूट में तीनों कूटों के ह्रीम में इनको डाल दिया एक एक ह्रींकारेण नवों को त्रिक त्रिक बना करके एक एक इंकारेण अंतर्भाव अंगीकृत जब पूरे नव योगिनिया तीन हिंकार में अंतर्भूत हो गया सर्वावस्थात्मकम इस तरह से क्या हुआ ये विद्या कैसी हो गई सर्व अवस्था रूपा हो गई सर्ववेदात्मकम सर्वदेवात्मकम सर्वशब्दात्मकम सर्वशक्त्यात्मकम त्रिगुणात्मकम त्रिखंडम त्रिगुणातीतम सो उपाधियों को लेकर के वो ये सब हो गई पहले क्या क्या हुई सर्व अवस्था रूप हो गई सर्ववेद रूप हो गई सर्वदेव रूप हो गई सर्वशब्द रूप हो गई सर्वशक्ति रूप हो गई त्रिगुणात्मक हो गई त्रिखंड रूप हो गई उसके बाद त्रिगुणातीतम त्रिगुणातीत भी साधाक्य अपर पर्यायम सत नाम से जो कहा जाता है सतरूपी एक दूसरे नाम से भी कहा जाता है सदैव सोम जब ग्रास इत्यादि में सत शब्दों से भी जो कहा गया था षड त्रिंश शिव शक्ति संपुटात्मकम निश्चित
जिसको 36 तत् रूपेण शिव शक्ति का संपुटित रूपेण स्वीकार करके निश्चय करके वर्ण पंचदशकेन मूल विद्याम आश्रय 15 वर्णों की सहायता से इस मूल विद्या का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके तदनंतरम स्यूतम मंत्रराज ग्रीवायां धृतवान इस प्रकार से अनंतर स्यूत माने पिरोया हुआ इस प्रकार से सकल चीजों को 15 में ही अंतर्भाव करना ही पिरोना ऐसे पिरोए हुए कुश ने अपने ग्रीवा में धारण कर लिया धारण किया चिरकाल ध्यान योग्य पूजित हुआ धारण करने का मतलब क्या चिरकाल पर्यंत ध्यान योग के द्वारा इस मंत्र और मंत्रार्थ का चिंतन करने लगा चिंतन करना ही वास्तव देवी देवता का पूजा है वायु पूजा गौण है आगे कहेंगे वायु पूजा जरूरत ही नहीं यदि आपने मंत्र मंत्रार्थ को समझ लिया और चिंतन करने का सामर्थ्य बैठ के आराम से मंत्रार्थ चिंतन कर रहे हैं वायु जितनी भी पूजा आगे 6 घंटे लगाए चाहे 10 घंटे लगाए और यदि आपने 10 मिनट भी चिंतन कर दिया उससे ज्यादा फल आपको मिलेगा कि मानस पूजा का महत्व ज्यादा है वायु स्थूल पूजा की हमेशा ही नियम भी कहा गया कि मानस पूजा तब करनी चाहिए जब वायु पूजा करने का समय नहीं है या व्यवस्था नहीं हो रही है ऐसे यात्रा आदि में है हो नहीं सकता है नहाना भी नहीं संभव तब पूजा कब करें भाई अब मानस पूजा करने के लिए कहा ऐसी यात्रा आदि आपद अवस्थाओं में आम आदमी के लिए तभी मानस करने के लिए लेकिन साधक के लिए सदा ही मानस करना सर्वश्रेष्ठ है देखिए आगे और स्पष्ट करेंगे सारी बातें पूजितवान तदनंतरम चंद्रकला अमृत आस्वादन कृतवान उसके बाद उस चंद्रकलाओं से निकली जो अमृत है श्री विद्या का जो फल है उसको आस्वादन करता है इति समन्वत ऋषि अस्य मंत्र से ऐसा जो करने वाला वह मन्मत है वही ऋषि है इस मंत्र का शिव है नैतम ऋषि विदित्वा नगरम प्रविशेत निषेध कर जो व्यक्ति इस प्रकार से मंत्र मंत्रार्थ उसका ऋषि आदि छंद वगैरह रहस्य को जान लिया उसको इस नगर नगर मने श्री चक्र के नगर में प्रवेश अर्थात वायु पूजा करने की कोई जरूरत एतम ऋषि विदित्वा इस ऋषि को जान करके नगरम न प्रविशे नगर में प्रवेश न करें है नहीं ये ऋषिकेश नगर हरिद्वार नगर में न प्रवेश करें ऐसा अर्थ नहीं है श्री चक्र रूप को नगर का दे नहीं मंत्र में भी है ना श्री चक्र नगर साम्राज्य महारानी है वो इस नगर की महाराज्ञी साम्राज्ञी ऐसे शब्दों से बोला गया श्री चक्र के नगर जैसे माना औस नगर की वो साम्राज्ञी है वो महारानी है मैंने उसके वायु प्रवेश नहीं करना वायु रूप से उसका पूजा पाठ करना निश्चित और क्या क्षेत्र को घुसेगा थोड़ी प्रवेश करना तो ऐसा थोड़े नहीं कह सकते जैसे वहां भी है ना तत्सृष्ट देव प्राविशत में बहुत बार शास्त्रार्थ हुई ब्रह्म ने उपाधि बना के ब्रह्म इसमें घुस गया अरे घुस गया कर क्या करोगे प्रवेश किया और क्या करोगे जैसे सांप बिल में घुसता है वैसे ये बिल बन गया और एक छेद से घुस गया ब्रह्म ऐसा करेंगे सांप है वो फिर व्यापकता कहाँ रहेगी ब्रह्म व्यापक व्यापक का प्रवेश कैसे कटेगा इस ऐसे जगहों में जाए उस उपाधि में चेतना का अभिव्यक्ति का नाम ही इसे प्रवेश इसे नगर में प्रवेश करना श्री यंत्र में प्रवेश करने का मतलब क्या आप पूजा करेंगे पूजा करते क्या नियम है ये यह प्राण सेव तस्य प्राण यह तस्य प्राण सेव यह प्राण ऐसे प्राण प्रसाद करते कि नहीं अभेद करते ना यही उसमें प्रवेश करना और क्या करें आओ शिव जी में प्रवेश कर गए शिवलिंग में प्रवेश हुआ आपका तो मतलब क्या है आओ शिव के प्राण के अपने आप बहुत है मनोज्योति तय मंत्र प्राण कर देना शरीर के साथ सिर के रख देंगे यहाँ के साथ यहाँ रख देंगे हर चीज कहीं तो बेलपत्ति से करवाते हैं कहीं कैसे भी करवा देते हैं अंग अंगन्यास करते हैं ना आप अंगन्यास के द्वारा आप अभेद कर लेते हैं अभेद करने के माध्यम से आप उसे प्रवेश कर गए वो आप में प्रवेश कर गए यही प्रवेश और कुछ नहीं अंगन्यास करने का मतलब ही नगर में प्रवेश है
किसी भी चीज। ये तो मनमतम विदित्वा नगरम न प्रविशे, नगरम मने श्री चक्रात्मकम नगरम न पूजे, न प्रविशे करते, अब बाई चक्र की पूजा की जरूरत नहीं है। बाई पूजा न कुरिया इति निषेध विधि, बाई पूजा न करे ये इस निषेध विधि का था। क्यों? बाई पूजायाम एव ऋषि छंद प्रकृति ज्ञान पूर्वकत्वं भवति। बाई पूजा में ऋषि छंद देवता है ना, बीज कीलक विनियोग सब जान करके अनुष्ठान किया जाता है। आंतर पूजायाम तादात्म्य अनुसंधानात्मिकायाम, आंतर पूजा का मतलब क्या? उसके साथ तादात्म्य कर लेना, मैं ही शिव हूं, अब तादात्म्य कर ले, अब बाह्य शरीर में क्या पूजा करोगे? इसलिए कहते मैं ही जब शक्ति हूं, मैं ही श्रीयंत्र हूं, इस शरीर में ही श्रीयंत्र मान लिया, क्या ना उन्होंने मूलाधार में किस किस अंतर्भाव करना है, कौन सा नवावरण को किस आवरण को कहाँ रखनी है बता दिया था सब। इसलिए कहते हैं जब आपने तादात्म्य करके अनुभव कर रहे हो और उसकी अनुसंधान कर रहे हो तब ऋषियादि ज्ञानम नास्ति, व ऋषियादि उपासना की जरूरत नहीं है। उपभोगस्तो दूरतेव, उपभोग करना तो बहुत दूर की बात, उपयोगस्तो उपयोग करना तो बहुत दूर की बात, उपभोग नहीं उपयोग करना, माने ऋषि छंदादि का उपयोग करना तो बहुत दूर की बात। अतः वस्तु सिद्धे ऋष्यादि परिदासेन श्री चक्र से वायु पूजन दैवर्णिक न कर्तव्य। वस्तु स्थिति सिद्ध हो गई आपको, वस्तु स्थिति का मतलब, वस्तु का मतलब क्या? पंचदशाक्षर मंत्र, ये भी आपने सिद्ध कर लिया, माने आपने इसको पूरा अपने अंदर तादात्म्य करके किस अक्षर को कहाँ रखने, किस चक्र में कैसे करना है ऐसा समझ गए। ये वस्तु, वस्तु कहते हैं यहाँ तात्पर्य है वस्तु का मंत्र, पंचदशा मंत्र को इस तरह से जो अंतर्भाव करके जैसे बताया अंतर्भाव प्रक्रिया सब जान करके अपने में अभेद करके तादात्म्य अनुसंधान करने का सामर्थ्य आ गया, फिर जो है आपको बाह्य पूजा ऋष्यादि पुरदासीन श्री चक्र ऋष्यादि का वहां निषेध कर दिया। एक बार तादात्म्य अभ्यास पंचदशाक्षर के द्वारा ही आप तादात्म्य अपन और चिंतन कर सकते हो, फिर ऋष्यादि को वहां निषेध कर रहे हैं वहीं पर। उस साधक के लिए आरंभिक साधकों के लिए नहीं, आरंभिक साधक बाह्य पूजा जरूरी है, उसको भाई समझा ही नहीं है तो अंदर क्या समझेगा वो, भाई समझना जरूरी है पहले फिर अंदर, जैसे भाई शुद्धि पहले फिर अंदर शुद्धि। वही आता वस्तु सिद्धे ऋष्यादि प्रदासन है श्री चक्र से भाई पूजनम, श्री चक्र का भाई पूजन जो है त्रैवर्णी कहिए न कर्तव्यम, त्रैवर्ण को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियम्यते नियम विधि भी है समझो। तेषाम आंतर पूजा प्रकार उत्तरत्र वक्ष, इनकी आंतर पूजा कैसे करना होता है उसे मंत्रार्थ जानना जरूरी है, मंत्रार्थ जाने में अंदर चिंतन कैसे करोगे आप, इसकी बात को आगे बताने वाले हैं। आंतर पूजा चले पहले मंत्र बता चुके हैं, अब मंत्रार्थ बताना जरूरी है, मंत्रार्थ बताएंगे मंत्र मंत्रार्थ को लेकर के आंतर पूजा किस तरह से होगी वो आगे बताएंगे। वक्षते यदि प्रविशेत, और ये भी बात कर दिया, यदि ऐसी स्थिति के बावजूद यदि वायु पूजा में लगा रहता है उसका क्या हानि होती है उस साधक की, वो भी व्यक्ति को अपनी साधना में सतर्क रहना जरूरी है, हर अवस्था को उसको पहचान करना चाहिए, हम आगे कितना बढ़ रहे हैं कैसे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा जानना है। नहीं मंत्र से वायु पूजा से उपरांता तो आलस्य भी हो सकती है, अरे बहुत दिन से वो करते करते हो गया भाई, उब जाता है आदमी अनेक कारण से, वो उपरांता धोखा देता है, यह उपरामता का तात्पर्य नहीं है, अब वायु पूजा से उपरामता आ रही है वो धोखा है। बार बार हम कहते छोड़ना लगे छूटना अलग है, छोड़ आपने छुड़ाया जैसे आम को गिरा रहे छुड़ा रहे ना वो जबरदस्ती, और छूटेगा तो स्वतः गिरना होता है, हम छोड़ रहे हैं बहाना बना करके वो गलत, और स्वतः छूटता है तब जब आप तादात्म्य हो रहे, आप तादात्म्य हो रहे नहीं हो रहे वास्तव में चिंतन के द्वारा, कि रोज वायु पूजा के साथ आप आंतर पूजा भी अभ्यास करेंगे, अभ्यास इतना परिपक्व होना चाहिए कि वायु पूजा स्वतः छूट जाए,
जहां आप गए मंदिर में भाई पूजल बैठ दे ही शुरू हो जाएगा अपनी स्वतंत्र, आप छोड़ नहीं रहे वो छूट गई अपने आप। कई बार होता है पूजा कर रहे आधे आधे में छूट जाते, आधा बजा किया और गायब हो गया, वो अलग स्थिति में पहुंच गया, तो वहीं रहेगा सारा सामग्री, लेकिन उसकी पूजा बाहर से अधूरी भले देख रहे भाई लेकिन भीतर से पूरी होती है। वो स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वहां पूजा मंदिर में घुसते ही वो खत्म, भाई पूजा प्रक्रिया समाप्त हो जाती, बैठती ही वहां आसन, और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी आप घूमते फिरते भी होने लग जाए, जहां बैठे वहीं होने लग जाए, मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं, तब समझिए आपको वस्तु मने वो मंत्र उससे पहले नहीं, उससे पहले हमारे उपेक्षा आ रहा है या उपराम हो रहा है कुछ भी हो रहा है वो सब मन हमें धोखा दे रहा है, उसकी बात नहीं करनी, उपरामता की बात नहीं। ऐसा मंत्र पूजा प्रकार उत्तरदक्षते यदि प्रविशेत असंशय संशयोक्ति, यदि प्रविशेत का मतलब क्या असंशय में संशय, यदि मान लिया जाए गलती से भी वस्तु सिद्ध होने के बाद वह फिर भी जबरदस्ती भाई पूजा में लग जाए, दुनिया को दिखा के दिखाने के चक्कर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, शंकराचार्य वर्ग के नियम है ना, उनको बैठ कर चाहे जरूरत हो या ना हो पद में बैठे हैं उनको करना जरूरी है, और कई मंडलेश्वर लोग भी शुरू कर चुके हैं आजकल, वो भी चौकी लगाएंगे शिवलिंग रखेंगे अभिषेक बैठे हैं पंडित लोग बैठे हैं 10-15 ये शंकराचार्य कर रहे थे, हम भी कम है क्या शंकराचार्य, हम भी कम दिखा दिखा हो रहे क्या दिखा बकवास, क्या मतलब अभी कहेंगे पूजा पाठ एकांत में होती है दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए सामूहिक पूजा पाठ भी होता है, अभी दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरणा देने के लिए घरों में कहते बुलाते सबको निमंत्रण देते आइए हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा है पधारिए ये सब, वो एक नैमित्तिक है चीज, उसमें बुलाया जाए सबके सामने करने की चीज है वो करो, लेकिन जो नित्य साधना होगी नित्य जो पूजा होती है दुनिया को दिखाने के लिए सबके सामने बैठ रुद्र पाठ कर रहे हैं प्रसाद बांट रहे हैं माला पहना रहे हैं भगत क्या अरे लोग फल दे रहे हैं किसी को मिठाई दे रहे हैं, ये सब दिखावा है, वो भी वो कर रहे हैं ना हम कम है क्या उनसे इसलिए मैं करूँ, ये गलत है ना, भावना पीछे गलत है, यदि मेरा कर्तव्य है मैं इतना गद्दी के धर्माचारी हूँ धर्माचार्य कर्तव्य धर्म की स्थापना जनता में करनी है प्रसार प्रसार करने के लिए जरूरी है करना, एक कर्तव्य भाव से धर्म के लिए कर रहा है धर्मो रक्षति वो ठीक है, उस भाव से कर रहा है तो कुछ वो ढोंग नहीं, लेकिन वो ऐसा करते इसलिए मैं भी वैसे ही करता हूँ ये गलत, ये धर्म की प्रचार आपका अनुष्ठान करना मंदिर वगैरह करो ना, मंदिर है वहां नहीं करेंगे चौकी डालेंगे थाली रखेंगे शिवलिंग रखेंगे उसमें करो मंदिर में करो, नहीं भगत जगत को वहीं बुला लो तो मंदिर में तो लोग बैठ नहीं सकते ना इधर हॉल में नहीं क्यों दिखा रहे हो सबको लाइन लगवाओ वहाँ सब वहाँ चल चढ़ लाइन लगा कर भावना बनेगी ना उनमें वहाँ भी तो प्रेरणा दिया जा रहा है। इस प्रकार कई लोग एक नाटक जैसे बना देते हैं वो गलत है, देश सही होनी चाहिए तो धर्म प्रचार भी सही होगा, आप नाटक करें तो वो भी नाटक ही करेंगे सर, यही होता हमने देखा भगत ऐसा ठग दिया ऐसा ठग दिया उसको एक महात्मा को भयंकर इतना टाइम समझ पागल हो गया करोड़ों रुपया ले गया भगत सारा ऐसा तो उसके हाथ में रहती थी उनका प्लेन टिकट ट्रेन टिकट सारी वही करता था जो भी करना कार वार टैक्सी फैक्सी वैक्सी सब कुंभ को जो भी दोगे उसके पास ही चला गया, उस कुंभ के लिए भी जो लोग दे रहे थे हमेशा जैसा आते तो उन्होंने भी उसके पास भेज दी उसके अकाउंट में टेंशन हो गए पागल हो गए लखवा हो गया ये हो गया वो हो गया दुनिया का लखन गया, इसे हम ये सब लोगों को देख के हम सीखते हैं ये बहुत खतरनाक काम है।
समझना चाहिए, ये तो विवेक और करना क्या है, इसका नाम तो विवेक है। देख के सीखो, खुद करके धोखा खा के सीखना अलग चीज है, क्या जरूरत है दूसरों देख के सीखना। ये विनाश को बता रहे, देखो क्या होता है उसका। यदि वेदा प्रमाण मितिवत प्रविशे देव इत्यर्थ, यदि वेदा प्रमाण, मतलब वेद तो प्रमाण है ही, जैसे उस वाक्य का निकाला जाता है, यदि प्रवेश मतलब प्रवेश करेगा ही तो क्या होगा। मिथो चरित्वा प्रविशेत